गाइजर, जैसे कि आप सभी को याद है कि यार फ्रैंकलिन, मतलब यार हम फ्रैंकलिन भैया तो यार यहाँ पर मर चुके हैं। अरे बाप रे, कहाँ से आ गया पागल कहीं का। और यहाँ पर माइकल भैया यार यहाँ पर लेने गए थे टाइम मशीन वाली कार को पैनी वाले भैया से, और गाइजर वो भी यहाँ पर घायल हो चुके हैं। अब गाइज मुझे कैसे भी करके इन्हें पहुँचाना है वापिस से ड्राइवर भैया के पास, जिससे वो इनका इलाज करवा सके। अरे यार गाइजर, यहाँ पर अपनी कार यार बंद हो चुकी है। मैंने बात करी थी यार पैनी भैया से, और पैनी भैया बोल रहे हैं कि यार थोड़ी देर में वो स्टार्ट हो जाएगी, वो थोड़ी ठंडी होने को मांगती है, क्योंकि गाइज वो बहुत जल्द में बनाई है ना वो वाली टाइम मशीन, इसलिए गाइज यार बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। और गाइज यार यहाँ पर माइकल भैया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, आप लोग देख सकते हो। माइकल भैया ठीक तो हो ना? ए, तुम भाग जाओ पिंचन, मैं यहाँ पर ज़ॉम्बी बन जाऊंगा नहीं तो। अरे यार गाइज यार इतने देखो यार कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही है। और यार मैं क्या ही बताऊँ, शिंचन भैया भी अभी तक ठीक नहीं हुए। अब गाइज यार कुछ भी करके हमें बचना पड़ेगा यार, इन्हें कैसे बचाऊँ यार समझ नहीं आ रहा। गाइज तब तक मैं इन्हें मारता हूँ, और मैं कार के अंदर बैठ रहे थे तो मुझे घुटन हो रही थी, इसलिए गाइज यार मैं बाहर निकलना पड़ रहा है। मैं यार बस मेरे को कुछ नहीं होगा, बस मुझे यही सोच के चलना है। यहाँ पर भी मार दिया मैंने, और यहाँ पर भी मार दिया, और गाइज इसे भी मारने वाला, एक सेकंड यार मारने वाला। अरे यार ये तो मर ही नहीं रही है पागल कहीं की। यार ऐसे तैसे की तैसी ये भी भाग के आ रहा है। गाइज इन सबको मार दिया मैंने, अब कौन आ रहा है, कोई आ तो नहीं रहा ना। चलो गाइज यार बच गया अभी तो मैं। ओके गाइज यार यहाँ पर फल फ्रूट खा लूँ क्या? चलो गाइज थोड़ा सा खा लेते हैं, भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है, जंप मार के यहाँ पर आ चुका। पर गाइज यार हो सकता है इसमें भी ज़ॉम्बीज के वायरस अटैक हो रखे हो। अरे बाप रे, मेरे को धक्का मारा, बच गया गाइज मैं। अरे बाप रे, तो काटने आ रहे लेकिन बच गया मैं। अरे मेरी गन रिलोड हो रही है इसकी, ऐसी की तैसी तुम लोग लात मारोगे मुझे, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं यार, मेरे को काटने वाले थे गाइज, मैं तो बच गया। गाइज मैं थोड़ा यहाँ से आगे चलते, डॉगीज है ना ये बहुत ज्यादा चलाके हैं, इन्हें तो नहीं छोड़ूंगा। अरे बाप रे यहाँ पर आ गया पागल कहीं के पागल से डॉग कुत्ते, जल्दी चलो गाइज यहाँ से निकलते हैं। मैं तो बोल भी नहीं पा रहा, मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा है गाइज, क्या ही करूँ समझ नहीं आ रहा यार। चलो यार इन्हें भी उड़ाते हैं। अरे बाप रे कैसे आ रहे, थॉर का बच्चा। अरे अरे बचो 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 बचो। ओके गाइज यहाँ से भागता हूँ मैं, यहाँ पे तो सारे के सारे लोग मुझे काटने को दौड़ रहे हैं। लेकिन गाइज यार मैं यहाँ पर हार नहीं मानूंगा इन सब की, ऐसी की तैसी यार तू भी जा टकले। एक काम कर दू गाइज, क्यों ना मैं अपनी मशीन गन निकाल लूँ और इन सबको भून दूंगा। चलो 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 चलो, आया मजा आया मजा, आ जाओ आ जाओ, कौन सा आएगा अब। अब देख लो मेरी ये गाल वाली गन ना रिलोड नहीं होती है, तुम सबकी ऐसी की तैसी मार दूंगा मैं। आजा आजा बेटा आजा आजा, तुझे ही बता तो ज़ॉम्बी बनेगा। मेरे फ्रैंकलिन भैया को मार दिया, शिंचन भैया को भी काट लिया, और माइकल भैया को भी मार रहे तुम लोग। ड्राइवर भैया बचे हुए और मैं बचा हूँ, और बस हिमावारी बची हुई है। गाइज हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, प्लीज यार आप लोग यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे यार हम लोग सही सलामत पहुंच सके अपने घर पे। चलो गाइज अब देखते हो अपनी कार स्टार्ट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। चलो 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 फटाफट से चलता हूँ मैं। गाइज समझ नहीं आ रहा यार हम लोग पहुंच भी पाएंगे घर पे या फिर नहीं। गाइज मैं यहीं पर आड़ता रही, डॉगी का बच्चा आ गया, इसकी तैसी की तैसी। मैं तुझे मारना नहीं चाह रहा था, क्यों मेरे से पंगे ले रहा है बेमतलब के। चलो गाइज इन सबको अच्छे से मारता रहता हूँ, मैं इसे भी मारना है, और इस वाली डॉगी को भी मार देता हूँ, इसे भी मार देता हूँ। मेरे पीछे से तो कोई नहीं आ रहा ना गाइज, यहाँ पर देखना पड़ता है बार बार मुझे, नीचे की तरफ कोई तो है यार, देखते हैं गाइज। ओके दोनों ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, आने नहीं दूंगा मैं बिल्कुल भी। गाइज अब मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा यार, यहाँ पर कोई डॉगी वॉगी तो नहीं आ रहा। एक काम कर दो, क्यों ना यहाँ पर मैं स्टिकी बॉम्ब फैला देता हूँ, जिससे जो भी आएगा उसके बाद मैं अच्छे से मतलब उसे फोड़ दूंगा स्टिकी बॉम्ब को, तो गाइज वो वहीं पर मर जाएगा यार। मेरे पास तो स्टिकी बॉम्ब है गाइज, है, मेरे को लग रहा था मेरे पे स्टिकी बॉम्ब नहीं है। चलो गाइज यहाँ पर भी कर देता हूँ, यहाँ पर भी एक फेंक देता हूँ। आ जाओ कौन सा आएगा, आ जाओ तुम्हें बताता हूँ मैं अच्छे से। आ जाओ इन डॉगी से मजे लेते हैं, आ जाओ मेरे डॉगी, मेरे पिल्लो कहाँ पर जा रहे हो, आओ मुझे काट के दिखाओ ना, जल्दी से आओ, मैं तो यहाँ पर हूँ। आ जाओ कौन सा आएगा, जल्दी से आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम लोग को बताता हूँ मैं अच्छे से। आ जाओ बेटा बताता हूँ तुम सबको। अरे डॉगी के बच्चे यहाँ पर आ गए, ये ले आया मजे तुझे। फालतू में मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं ज़ॉम्बीज को, तो मैं अच्छे से मार दूंगा। गाइज इन लोगों ने वायरस बहुत ज्यादा फैला दिया लॉस सैंटोस के अंदर, अब तो मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये देखो मैं सबको मारता जा रहा हूँ, अरे बाप रे लगता है ये लोग पीछे से जिंदा हो गए मेरे। वापस से यार मेरे को मशीन गन निकालनी पड़ेगी। अरे बाप रे यार मशीन गन निकलती क्यों नहीं है यार एक बार में। ओके गाइज निकल चुकी है, इसे तो सबको भून दूंगा। अरे बापरे टकले कितना बार आएगा तू, एक सेकंड गाइज ये देखो हवा में भी चल रहे गाइज, पता नहीं कैसे चल रहे हैं। लेकिन यार मुझे फटाफट से माइकल भैया के पास जाना पड़ेगा, और यार अपनी कार में बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा गाइज यार मेरे को ये वाली कार स्टार्ट हुई या फिर नहीं। माइकल भैया ठीक तो हो ना आप? तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, ये तो मुझे ही मारने की बात करे गाइज, देखता हूँ। ओके गाइज मेरी कार यहाँ पर हो चुकी है, चलो चलो गाइज फटाफट चलते हैं। माइकल भैया आपका खून साफ हो गया। मेरा खून साफ कैसे हो गया? अरे लगता है बारिश की वजह से हो गया। चलो गाइज अपनी कार यहाँ पर चल चुकी है, हम लोग आगे की तरफ चलते रहते और चलते ड्राइवर भैया के पास, और यार अपनी हिमावारी बहन के पास, और शिंचन भैया तो यार अभी तो पता नहीं कहाँ पर होंगे। मैंने ड्राइवर भैया को फोन कर दिया, वो डॉक्टर को बुला रहे होंगे, पता नहीं यार ड्राइवर भैया कैसे बुलाएंगे डॉक्टर को, क्योंकि डॉक्टर तो यहाँ से जा चुके हैं, पता नहीं दूसरा डॉक्टर कब आएगा यार। काश हमें वो डॉक्टर ना माय फ्रैंकलिन भैया के टाइम पे मिल गया होता, जो हमें शिंचन भैया के टाइम पे मिला है, क्योंकि उन्होंने शिंचन भैया को तो ठीक कर ही दिया है। बाकी गाइज मुझे नहीं पता शिंचन भैया ठीक हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। अरे बाप रे अपनी कार वापस से यहाँ पर खराब होगी गाइज, मुझे उतरना पड़ेगा यार वापस से, इन्हें मारना पड़ेगा वरने लोग मेरी कार को नुकसान पहुंचाएंगे। एक सेकंड गाइज इनकी तो खोपड़ी उड़ाऊंगा मैं एक साथ के, ये लो ये
ले लो आया मजा। एक काम करता हूँ गाइस, वापस से मशीन गन निकाल दो वरना ये लोग मेरे पीछे आ गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। चिंता मत करो माइकल भैया, मैं आपके साथ हूँ, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे से दूर हो जाओ पिंचन, कहीं मैं तुम्हें ही खा जाऊं। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा यार, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे बाप रे ये सब क्या हो रहा है, मैं अपनी गाड़ी पे ही क्यों चला रहा हूँ। एक सेकंड है, मेरी गाड़ी में से धूल भी कितनी निकल रही है। ये देखो गाइस यार कितनी ज्यादा धूल निकल रही है, लेकिन देखो ये कितनी ज्यादा मजबूत है, इसे कुछ भी नहीं होता। गाइस ये देखो कुछ भी नहीं हो रहा मेरी कार को, इतनी तगड़ी कार बनाई है बहनी भैया ने। अब गाइस यार मैं चलता हूँ यार थोड़ा आगे की तरफ और इन लोगों को मार के दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखो जॉम्बीज के बच्चे कैसे चल रहे हैं लॉस सैंटोस में, जैसे इनका बाप का राज होगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं सबकी। ये देखो गाइस यार सबको मैंने यहाँ पर मार चुका। चलो अब देखता बैठ कर रहा कार चली या फिर नहीं चली। गाइस यार कार तो स्टार्ट हो रही है, थोड़ी थोड़ी चल रही है। गाइस यार कैसे चल रही समझ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं बूस्ट दबाते हैं इमरजेंसी के लिए। गाइस देखो कैसे चल रही है बूस्ट दबा के। अरे यार मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रही, बहनी भैया ने कहा था मुझसे कंट्रोल नहीं होगी। गाइस ये देखो कितने सारे ज़ॉम्बी आ गए, नहीं तो मैं इससे उड़ा देता हूँ यार गन से। एक काम करता हूँ सामने वाले को भी उड़ाता हूँ, चलता हूँ मैं आगे की तरफ। बढ़ते रहते हैं गाइस यार इन्हें कुचलते कुचलते, यहाँ पर गन मारूंगा फिर कुचलूंगा जिससे क्या इनका वायरस यहीं पर खत्म हो जाए। गाइस मुझे तो समझ नहीं आ रहा, लगता है पूरी जगह पर ना कोई वैक्सीन लगनी चाहिए, पता नहीं यार गाइस समझ नहीं आ रहा। अरे बाप रे कैसे उड़ रहे हैं हम लोग यार, सामने की तरफ जाना है, आराम से जाना है, बस माइकल भैया ना गिरे बस। एक सेकंड गाइस हम लोग आराम से यहाँ पर गिर चुके हैं। अरे माइकल भैया ठीक तो ना? मेरे को ठीक हूँ मैं, यहाँ से चलो। अरे हाँ यार माइकल भैया चल रहे हैं, इनकी आवाज को पता नहीं क्या हो गया है। गाइस ये देखो सामने की तरफ हम स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं, ठोकते ठोकते जा रहे हैं। देख सकते हो आप लोग यार किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक दो बचेंगे तो यार उन्हें नहीं पकड़ सकते हम लोग, फटाफट से पहुंच जाते हैं ड्राइवर भाई के पास। गाइस प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से करो। गाइस आप लोग देख सकते हो हम लोग फाइनली यहाँ पर तो आ चुके हैं जहाँ पर ज़ॉम्बीज बिल्कुल नहीं है। लेकिन गाइस माइकल भैया की हालत ज्यादा खराब हो रही है, इसलिए हमें जल्द से जल्द पहुंचना पड़ेगा ड्राइवर भाई के पास, क्योंकि ड्राइवर भाई ने हो सकता है यार वो डॉक्टर को लेकर आ चुके हो। यहाँ से मुझे राइट ले लेना और सीधे की तरफ चलते रहना है। गाइस मुझे तो डर लग रहा है कहीं माइकल भाई को कुछ हो ना जाए यार, फटाफट से जाना। और मतलब शिंचन भैया भी अभी तक यार बेहोश हो रखे हैं, समझ नहीं आ रहा हम लोग को क्या करना चाहिए। आप लोग मेरे साथ हो ना प्लीज, जल्दी से कमेंट बॉक्स में पिंचन ओपी लिखो गाइस, जल्दी से लिखो, क्योंकि गाइस यार मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार मतलब यार माइकल भैया को कुछ हो ना जाए। चलो गाइस आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं यार और देखते हैं यार कहां पर हम लोग को रुके थे, हम लोग कहां पर रुके थे मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। हाँ ये तरह वो घर यार, मैं भी कहां भाग रहा हूं। चलो गाइस फाइनली हम लोग टाइम मशीन भी लेकर आ चुके हैं, ड्राइवर भैया के साथ आऊंगा मैं और यार उस वाली जगह पर चले जाऊंगा। चलो गाइस यहीं पर टाइम मशीन भी खड़ी कर देते हैं नीचे की तरफ, जिससे कि यार कोई और इसे लेकर ना जा सके। चलो गाइस यहां पर मैंने फाइनली खड़ी कर दी, अब ड्राइवर भैया से जाकर बातें करता हूं मैं और उन्हें बताता कि मैं माइकल भैया को ले आया। चलो चलो गाइस जल्दी से चलते हैं। ड्राइवर भैया कहां पर हो भैया? गाइस यार जल्द से जल्द अंदर की तरफ चलते हैं, यहां पर सीढ़ियां नहीं है कि मैं ऊपर कैसे जाऊंगा, मैं तो भूल ही गया मैं कैसे आया था। ओके गाइस यहां पर हो सकती है सीढ़ियां। चलो गाइस फाइनली सीढ़ियां तो मिल चुकी है, मुझे फटाफट से माइकल भैया का इलाज करवाना है कैसे भी करके। अरे ड्राइवर भैया कहां जा चुके हो यार, समझ नहीं आ रहा। चलो गाइस यहीं से चलते हैं। ओके यहां पर है जगह। ड्राइवर भैया, शिंचन भैया आप ठीक हो गए? अरे पिंचन मेरे भाई कैसा है तू? अरे यार भैया आपके क्या हो गया था? भैया आपने बताया भी नहीं, भैया आपको यार ज़ॉम्बी ने काट लिया था, हम तो डर गए थे। अरे नहीं यार भाई मैं एकदम ठीक हो गया, अब तू कहां से आ रहा है? अरे यार ड्राइवर भैया जल्द से जल्द चलो यार, माइकल भैया को ज़ॉम्बी ने काट लिया, मैं उन्हें उठा कर ले आया। क्या बात कर रहा है बेटा, तू उठा के आया? हाँ भैया मैं ले आया, उन्हें अंदर कर लो जल्दी से यार और डॉक्टर को बुलाओ। हाँ ठीक है तू लेकर आ गया, मैं डॉक्टर को मैंने फोन कर दिया था जब तूने मुझे फोन किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था तू सच में लेकर आ जाएगा। अरे भैया प्लीज उनका भी इलाज करवाओ, बहुत ज्यादा हालत खराब है। अच्छा ठीक है मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। यार हम लोग यहाँ पर लेकर आ गए माइकल भैया, कब डॉक्टर कब तक आएंगे? अरे बेटा बस आते ही होगा। अरे पिंचन भैया आप तो ठीक हो ना? हाँ यार बहन मैं एकदम ठीक हूँ, भैया देखो यार मैं टाइम मशीन को लेकर आ चुका हूँ। अरे क्या बात कर रहे सही में? हाँ यार भैया वो देखो सामने की तरफ रखी हुई है। अरे क्या बात है, इस बार तो ना शिंचन ना फ्रैंकलिन, इस बार तो पिंचन ने करके दिखाया, क्या बात है पिंचन। हाँ सही में पिंचन भैया आप तो हीरो। अरे हाँ यार पिंचन भाई तू तो सच में हीरो है भाई। अरे नहीं यार शिंचन भैया बस कैसे भी करके फ्रैंकलिन भैया को बचा लो। गाइस आप लोग भी बचा लो प्लीज, अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो ही हम लोग फ्रैंकलिन भैया को बचा पाएंगे, वरना टाइम मशीन भी हमारे कोई काम की नहीं है। हाँ यार गाइस यार सही बात है, तो गाइस यार हम लोग को निकलना पड़ेगा यहाँ से, मैं फटाफट से जाता हूँ लेकर आते, ट्रैवल भैया आप चलोगे? अरे बेटा अगर मैं जाऊंगा तो फिर यहाँ माइकल का कौन ध्यान रखेगा? हाँ यार ये भी सही बात है यार भैया। अरे यार मैं चलता हूँ ना पिंचन भाई तेरे साथ। अरे नहीं शिंचन भैया आप आराम करो। हाँ तो चलो मैं चलती हूँ। अरे नहीं यार मैं खुद अकेले कर लूंगा यार कैसे भी। अरे नहीं यार पिंचन भाई हम दोनों चलते हैं यार, हम लोग आराम से कर लेंगे, वैसे भी हम लोग यार ज़ॉम्बी अटैक होने से पहले जाना है वहां पर, जिससे कि यार हम लोग यार माइकल भैया को यार आराम से बता सके कि उनके अटैक होने वाला है और फ्रैंकलिन भैया को भी बता सके, इसलिए वो घर से ना
निकले। हाँ यार सही बोल रहे हो यार शिंचन भैया, चलो गाइस हम लोग चलते हैं। ट्रेवर भैया हम दोनों जाएं क्या? अरे एक काम कर दो, तुम दोनों यही रखो, मैं अकेले चल जाता हूँ। अरे नहीं है ट्रेवर भैया, आप माइकल भैया का ध्यान रखो, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। अच्छा ठीक है तुम लोग आराम से जाना। हाँ ठीक है, अभी हम लोग को रनवे पे जाना पड़ेगा गाइस, आ जाओ शिंचन भैया। हाँ ठीक है पिंचन भाई, आ रहा हूँ मैं भी। चले फिर पिंचन भाई यार। हाँ यार चलो शिंचन भैया, चलो गाइस हम लोग चलते फटाफट से, आ जाओ मेरे भाई कार के अंदर बैठते हैं। हाँ यार शिंचन भैया बस आ गया, आप चलो यार आपके पीछे पीछे भैया, आप आराम से कर तो लोगे ना। अरे यार चिंता क्यों कर रहे हैं शिंचन, मतलब यार पिंचन भाई, हम लोग आराम से चल लेंगे, बस बटन बता देना मुझे। हाँ यार भैया रेड और ग्रीन वाले बटन एक साथ दबाने हम लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें उसके लिए यार तेज वाली स्पीड चाहिए होगी। अरे तू चिंता मत कर मेरे भाई, हम लोग पहुंच जाएंगे यार। अरे तुम दोनों आराम से जाना। हाँ यार भैया आराम से जाना यार प्लीज। अरे यार तुम दोनों चिंता मत करो, हम लोग जा रहे हैं ऐसे। बाय बाय भैया, मिस यू। हाँ यार मिस यू टू बहन। चलो गाइस हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं यार, टाइम मशीन में बैठ चुके हैं, हमें फटाफट से जाना पड़ेगा यार फटाफट से। और गाइस देख लो अभी यहाँ पर मौसम कितना खतरनाक हो रहा है, यहाँ पर ना ट्रेवर भैया का रनवे है, तो गाइस हो सकता है हम लोग यहाँ पर स्पीड में जा सकते हैं। अरे हाँ यार शिंचन भैया हम लोग यहाँ से जा सकते हैं, तो चल पिंचन भाई यार अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, मौसम बिगड़ने वाला है। हाँ ठीक है भैया बांध दे, चलो चलो गाइस फटाफट से यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हम लोग जाने वाले हैं पास्ट में। हाँ यार गाइस प्लीज फटाफट से करो यार, जल्द से जल्द करो, आगे जल्दी से करो, चलो चलते हैं। 3 2 1 यहाँ पर मैंने बूस्ट भी दबा दिया, देख पिंचन भाई। हाँ यार शिंचन भैया और तेज चलो, और ये ग्रीन वाला बटन भी दबा दो। हाँ भाई दबा दिया। अरे यार गाइस हम लोग कहाँ पर आ गए, अरे मुझे क्या पता यार भैया। अरे हाँ यार सिर्फ पिंचन भाई सही कह रहे हैं, अरे भैया ब्रेक मारे और कहाँ पर ठोक दिया। अरे यार ये तो देख भाई मौसम कितना साफ हो गया। हाँ यार शिंचन भैया आप तो एकदम सही कह रहे हो, चलो गाइस हम लोग देखते हैं यार यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। अरे पता नहीं यार क्या हो रहा है, शिंचन भैया आपने ग्रीन बटन दबाया था। अरे हाँ यार मेरे भाई मुझे लगता है ये पोर्टल बन चुका है, हम लोग यार पास्ट में आ चुके हैं, अगर हम लोग इस पे टच होकर जाएंगे वापस वहीं पहुंच जाएंगे। हाँ तो चलो भैया अभी घर चलते हैं फटाफट से। हाँ यार चल यार पिंचन भाई यहाँ से रास्ता तो याद है ना तुझे। हाँ यार भैया मुझे याद है, यहाँ से राइट ले लो। ठीक है भाई ले, मैंने राइट ले लिया। अरे यार पहले क्यों ले लिया भैया, रोड तो आने देते। अरे देखा रोड के आने से पहले लेफ्ट लेने से मतलब राइट लेने से ये फायदा होता है, हम लोग सीधा करेक्ट यार रोड पर आ जाते हैं। हाँ ठीक है पिंचन भैया मैं ये सीख लूंगा आपसे। हाँ ठीक है यार, ठीक है पिंचन भाई यार हम लोग अब फटाफट से चलते हैं यहाँ से। हाँ यार शिंचन भैया प्लीज फटाफट से पहुंचो यार, हमें फ्रैंकलिन भैया को बचाना है, अब माइकल भैया को भी सावधान करना है। हाँ यार बस ऐसा ना हो वो दोनों हम लोग को भैरूपिया समझे। अरे हाँ यार ऐसा भी हो सकता है यार, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी, सब कुछ सही हो जाएगा यार पिंचन भाई। हाँ यार एकदम सही बात है यार, तुम लोग यार मतलब मैं अरे यार क्या मैं कर रहे हो। अरे यार भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे डर लग रहा है, यहाँ पर लॉस सेंटर में देखिए एक भी इंसान नहीं है, कहीं हम ज्यादा पुराने टाइम पे तो नहीं आ गए। अरे नहीं यार शिंचन भैया हम लोग सही टाइम पे आए होंगे, क्योंकि यार भैया यहाँ पर देखो ना हाईवे बन चुके हैं। हाँ यार पिंचन भाई ये तो सही कह रहा है, गाइस देखो यार इस गाड़ी की स्पीड तो देखो यार कितनी स्पीड में चल रही है। हाँ यार सही बोल रहे हो शिंचन भैया, एकदम सही बोल रहे हो, बहुत तेज चल रही है। हाँ यार पिंचन भाई अब क्या करें यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, घर पर चले डायरेक्ट। हाँ यार जल्दी से चलो यार, देखते हैं यार घर पर क्या हो रहा होगा। हाँ यार जल्दी से चलते हैं यार गाइस, आराम से चलते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है क्या चीज़ नहीं हो रही है। हम लोग फाइनली पास्ट में आ चुके हैं, प्लीज़ आप लोग यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ यार गाइस जल्दी से करो यार। गाइस मुझे लगता है वो टाइम है जब ज़ॉम्बी की न्यूज़ फैल चुकी थी यहाँ से, यार मतलब अपने घर पर यार, यहाँ पर लगता है सब कुछ तय हो चुका होगा। अरे क्या तय हो चुका होगा भैया, अरे मेरे कहने का मतलब है सब कुछ वहाँ पर जंजीर वंजीर गेट वेट सब लगवा दिया होगा फ्रैंकलिन भैया ने। हाँ तो फिर हमें बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए शिंचन भैया, जल्दी से चलते हैं। हाँ यार पिंचन भाई बस हम लोग घर पे पहुंचने वाले, मुझे तो डर भी लग रहा है। अरे यार आप डरो मत यार, बिल्कुल भी डरो मत। अरे यार गाइस हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन हम लोग फ्रंट गेट से नहीं जा सकते, हम लोग को पीछे की तरफ से जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अरे यार यहीं पर रुक जाओ यार शिंचन भैया, पैदल चलते हैं। हाँ यार पिंचन भाई आ जाओ, मुझे तो डर लग रहा है अभी भी। अरे यार डरो मत यार, बिल्कुल मत डरो, मैं आपके साथ हूँ ना। हाँ यार भाई सही कह रहा है, जल्दी से आ जा यार, आगे की तरफ आ जा रहे यार, तू साथ बोल के तू कहाँ निकल गया पिंचन भाई। अरे यार शिंचन भैया मुझे डर लग रहा है यार आगे की तरफ। अरे यार तू जब मैं कह रहा था मुझे डर लग रहा है, तू नीचे तो नहीं गिर गया। अरे यार भैया पता नहीं यार मैं कहाँ चले गया यार एकदम से। अरे यार ये पिंचन भाई पता नहीं किस साइड भाग रहा, भाई इस साइड आ जाना। हाँ ठीक है चलो शिंचन भैया आ रहा हूँ यार, जल्दी से आता हूँ। चलो गाइस मैं आगे की तरफ बढ़ता रहता हूँ, तब तक आ जा पिंचन भाई। आ रहा हूँ भैया आ रहा हूँ यार, पक्का कुछ होगा तो नहीं। अरे यार तू डर मत यार, मैं हूं ना रे, तू फिर नीचे चले गया क्या। अरे यार भैया मेरा पैर फिसल रहा, मैं क्या करूँ। चल ठीक है तू वहीं पर रहे, मैं एक काम कर तो गाइस यहाँ पर चेक कर तो फ्रैंकलिन भैया कहाँ पर होंगे। यहाँ पर एक काम कर तो मैं थोड़ा सा छुप जाता हूँ और आगे की तरफ चल के देखता हूँ। हैं गाइस देखो यहाँ पर हम तीनों डांस कर रहे थे, आप लोग को याद होगा यार, हम तीनों कितने अच्छे से रह रहे थे। और देखो यार फ्रैंकलिन भैया वो देखो यार दारू पी रहे, भैया जिंदा है। गाइस हम लोग को कुछ भी करके यार चलना पड़ेगा, फ्रैंकलिन भैया से बात करनी पड़ेगी। और वो देखो माइकल भैया भी जिंदा है, लेकिन गाइस अगर हम लोग ऐसे जाएंगे तो वो लोग सोचेंगे यार कि हम लोग वायरस है, मतलब हमें किसी ने यार एकदम सेम टू सेम शक्ल बना के किसी ने वायरस बना के भेजा होगा, ऐसा भी ये लोग सोच सकते हैं। इसलिए गाइस हम लोग को आराम आराम से चलना पड़ेगा। आ जाए पिंचन भाई मैं भी नीचे आ गया। अरे आप कहाँ पर हो यार शिंचन भैया?
गया। गाइस हम लोग यार यहाँ टेरिस पे आ चुके हैं, अब देखते हैं यार ये लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पर यार मेरे को आराम से चलना पड़ेगा यार, कुछ भी करके जिससे हमारे ऊपर शक ना हो। वो देखो यार पिंचन भाई, हम तीनों वहाँ पर डांस कर रहे हैं। क्या बात कर रहे सिंचन भैया? अरे हाँ यार पिंचन भाई, वो देख नीचे की तरफ डांस कर रहे हैं। हम लोग को बच करना, एक काम करते हैं हम लोग ना इस साइड आ जाते हैं, इस साइड कोई सिक्योरिटी नहीं थी, जल्दी से आ जा भाई। अरे यार भैया मैं नहीं आ रहा, आप ही जाओ। अरे यार आ जा पिंचन भाई यार। गाइज मौसम देखो, यहाँ पर तो मौसम बिगड़ गया, यानी कि फ्रैंकलिन भैया कुछ देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। अरे यार गाइज अब क्या करेंगे हम लोग यार, समझ नहीं आ रहा। अरे यार सिंचन भैया कुछ तो सोचो, हमारे यहाँ पर आना वेस्ट हो जाएगा। अरे यार क्या सोचो कैसे बताओ यार, फ्रैंकलिन भैया को मुझे ऐसे नीचे जाना पड़ेगा। अरे नहीं सिंचन भैया, वो आपको मार भी सकते भाई रुपया समझ के। अरे यार समझ नहीं आ रहा हम लोग क्या करें, क्योंकि यार फ्रैंकलिन भैया बस निकलने वाले होंगे हम लोग के लिए खाना लेने के लिए, और आप लोग को पता है यार जैसे वो खाना लेने निकलेंगे और उन्हें यार ज़ॉम्बी काट लेंगे, इसलिए हमें उन्हें बचाना पड़ेगा। कैसे बचे समझ नहीं आ रहा। अरे कुछ तो करो यार सिंचन भैया। अरे यार मुझे याद है फ्रैंकलिन भैया जब भी यार मतलब ज़ॉम्बी को पकड़ने गए थे ना, उससे पहले यार वो पानी पीने आते हैं, तो वो ऊपर आएंगे यार, तब हम उन्हें सब कुछ बता देंगे। हाँ यार सिंचन भैया एकदम सही बात, हम लोग उनका वेट करते हैं। हाँ यार हम लोग यहीं पर खड़े रहते हैं यार। मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या? माइकल भाई मैं अभी आता हूँ, ठीक है फ्रैंकलिन? ठीक है। अरे बच्चों क्या कर रहे हो? अरे यार भैया बहुत मजे से डांस कर रहे हो, आप भी करोगे? अरे तुम लोग करो, मैं अभी आता हूँ, ठीक है। अरे कहाँ जा रहे हो? अभी आ रहा हूँ भाई थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है। चलो गाइस हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं यार फटाफट से, और देखते यहाँ के क्या सीन हो रहा है, यहाँ मौसम कैसे बिगड़ गया यार। अरे सर मैं आपको एक बात बताऊँ। हाँ जी बताइए सर। अरे यार वो खाना वाना का हो जाता, क्योंकि सर हम लोग खाना नहीं लाए थे ना, और आपके पास होगा तो दे दीजिए। अरे यार खाने तो मैं भूल ही गया, हम लोग को स्टोर करना था ना खाना। हाँ जी सर खाने को स्टोर करना था, इसलिए आपने अभी तक ट्रक नहीं मंगाया। अरे यार सो सॉरी, मैं अभी लेकर आता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है सर ले आइएगा, लेकिन आराम से, आपके साथ सिक्योरिटी भेजू क्या? अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं पहले पानी पी लेता हूँ। चल के चलो गाइस अंदर की तरफ चलते हैं यार फटाफट से, और देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। ग्लव्स भी पहन, तो मेरे हाथ बहुत ज्यादा गंदे हो रहे हैं, आप लोग देख ही सकते हो, धूल मिट्टी इतनी ज्यादा हो चुकी है ना, क्या ही बताओ, हाथ धो लूंगा या फिर चल लूंगा। एक सेकंड, अबे तुम दोनों अभी तो नीचे थे। अरे यार भैया यार आप ठीक हो? अबे मुझे क्या हो गया भाई? अरे यार भैया आपसे कुछ बात करनी है हमें। हाँ यार फ्रैंकलिन भैया आप जिंदा हो? अबे क्या हो गया, मैं मरा थोड़ी था, मैं तो कब से यहीं पर हूं। अरे यार भैया आप यार जा रहे हो ना खाने के लिए? हाँ भाई खाना लेने जा रहा हूं। अरे यार भैया प्लीज मत जाओ। अबे पागल हो चुके हो, कैसी बातें कर रहे हो यार तुम लोग भी? एक सेकंड भाई, नीचे है सिंचन पिंचन, तुम दोनों कौन हो? अरे यार भैया हम दोनों सिंचन पिंचन ही है यार भैया। ये देखो गोली मैं भी चला सकता हूं, लेकिन मैं चलाऊंगा नहीं। तुम लोग भय रुपया हो गए सिंचन पिंचन के? अरे नहीं भैया हम लोग यार फ्यूचर से आए हैं। क्या बात कर रहे हो, फ्यूचर? क्या बकवास कर रहे हो, तुम लोग की खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। अरे यार भैया यार आप कैसी बातें कर रहे हो? फ्रैंकलिन भैया यार हमें आपसे कुछ बात करनी है। एक सेकंड यार, मुझे इन लोग की बात सुन लेनी चाहिए क्या? एक बार सुनने दो, आप लोग क्या बोलते हो, सुननी चाहिए या फिर नहीं सुननी चाहिए? सिंचन पिंचन हिमाबाई तो नीचे आराम से डांस कर रहे हैं यार, सब लोग यहीं पर है यार, इन लोग की बात सुनो। ठीक है भाई बोलो, तुम लोग यार 5 मिनट है। अरे यार भैया यार बिल्कुल मत जाओ। अरे यार फ्रैंकलिन, अरे क्या हो गया भैया, आप क्यों भाग रहे हो? अरे मैं तो ऐसे रन अप कर रहा था यार। अच्छा यार पता नहीं क्या ही कर रहे हैं फ्रैंकलिन भैया, भी क्या ही बताऊं। हाँ तो बताओ भाई, 5 मिनट है। अरे भैया हम लोग फ्यूचर से आए, आप यार जैसे खाना लेने जाओगे आपको ज़ॉम्बी काट लेंगे, और फिर हम लोग को यार इसलिए हम लोग पास्ट में आए आप लोग को आपको रोकने के लिए, उसके बाद आपको बचाने के लिए ना यहाँ पर सिंचन भैया भी जाएंगे, तो सिंचन भैया को भी ज़ॉम्बी काट लेंगे, फिर सिंचन भैया को बचाने के लिए यार माइकल भैया जाएंगे, फिर उसे भी काट लेंगे। अब अगर सिंचन को काटा ही होता तो सिंचन मेरे सामने कैसे है? अरे क्योंकि उनका इलाज करवा दिया, तो मेरा इलाज क्यों नहीं करवाया फ्यूचर में? अरे यार भैया बता तो रहे आपको यार कुछ ज्यादा जहर फैल गया था, और आपके लिए डॉक्टर भी अच्छा नहीं मिला। अच्छा ऐसा होने वाला है मेरे साथ? हाँ भैया ऐसे होने वाले, प्लीज हमारा यकीन करो, हम लोग फ्यूचर से आए हैं। पर मैं कैसे मानूं तुम लोग फ्यूचर से आए हो? अरे नीचे कार देख लो यार, कार रखी हुई है एक बढ़िया सी, वो टाइम मशीन कार है, बहनी भैया ने बनाई है। अच्छा जी ऐसी बात है। गाइस आप लोगों को क्या लगता है, इन दोनों का मुझे यकीन कर लेना चाहिए क्या? फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ। गाइस प्लीज यार हम लोग यार अपने काम में तो सफल हो चुके हैं, प्लीज इन्हें बताओ, यकीन दिलाओ कि हम लोग सच में फ्यूचर से आए हैं। गाइस जल्दी से बताओ कमेंट करके, तभी मैं इन लोगों पे भरोसा करूंगा, तभी मैं बाहर नहीं जाऊंगा, और हो सकता है क्यों ना मैं इनके साथ फ्यूचर में जाकर इनके लिए इनकी हेल्प करूं। अरे नहीं भैया यार बस यहाँ पर अगर आप जिंदा रहोगे तो हमारे फ्यूचर वाले फ्रैंकलिन वे भी जिंदा रहेंगे, क्योंकि इनकी बॉडी अभी भी हमारे पास है। क्या बात करो सही में? हाँ यार एकदम सही कह रहा हूँ भैया, प्लीज आप हमारी बात मानो। गाइस जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ यार गाइस प्लीज फ्रैंकलिन वे को बताओ कि हम सच कह रहे हैं। गाइस फटाफट से कमेंट करके बताओ। तो गाइस मुझे पता है आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी, आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों का शेयर जरूर करना, होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस कमेंट बॉक्स में पार्ट 7 लिखो जल्दी से, जिससे मैं इन लोगों की बात पे यकीन करूं। अगर आप लोग चाहते हो तो फटाफट से पार्ट 7 लिखो। हाँ गाइस प्लीज जल्दी से लिखो। तो गाइस हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय टाटा टेक केयर। फाइनली फ्रैंकलिन भैया वापस आ गए।